यार वो ना, वो हमारी ताई की जो खाला है ना, उनके अंदर जिन आता है। रात को वो फ्रिज में जो सामान पड़ा होता है सब खा जाती हैं। क्या? यार मुझे बाहर के कल्चर का तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है ना, इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिनों की बातें करना। ये जिनों की बातें करने वाली महफिल सबसे ज्यादा कजन्स और हॉस्टल के दोस्तों में मकबूल होती है। इस महफिल का एहतमाम आमतौर पे रात के पहर होता है। अगर सारे साथ बैठे हों और लाइट चली जाए तो हाई पॉसिबिलिटी है कि किसी एक कजन को या किसी एक दोस्त को कीड़ा हो और मौके की मुनासिबत का फायदा उठाते हुए वो अपना प्रपोजल सबके सामने रखे। ओए आओ यार, जिनों की बातें करते हैं। अब नॉर्मली जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस म्यूजिक पर बात करनी हो या मूवीज पर बात करनी हो, तो ये बात नहीं कही जाती कि आओ मूवीज पे बात करें या फिर आओ म्यूजिक के बारे में बात करें। लेकिन जब जिनों की बातें करनी होती हैं, तो एक शख्स बाकायदा तौर पे ये आइडिया प्रपोज करता है, आओ यार जिनों की बातें करते हैं। लाइट चली गई हो तो गुड स्कोप है, वरना महफिल के हामियों में से कोई एक जिम्मेदार शख्स खुद अंधेरे का एहतमाम करेगा, क्योंकि इस महफिल के लिए माहौल का होना बड़ा जरूरी है। सच बात यह है कि ऐसी महफिलों का इनेकाद करना किसी दो तीन दोस्तों या कजन्स का पंगा होता है, और ये वही साइकोपैथ सर फिरे लोग होते हैं जो हॉरर मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और बाकी लोगों को भी दिखाते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि जब बाकी लोग डरेंगे तो उनके डरे हुए चेहरे देखकर इन्हें रूह का सुकून मिलेगा। अब मानो या ना मानो, इन महफिलों में हार्डली एक भी किस्सा सच होता है। मोस्टली किस्से दूर के जानने वालों के होते हैं, या फिर अगर करीबी किस्से हों भी तो इतने हाईली एग्जैजरेटेड होते हैं कि यकीन ही ना आए। यार वो ना, हमारे जो ड्राइवर चाचा है ना, वो एक बार रात को 2 बजे हाईवे पे साइकिल पे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक दुल्हन नजर आई लाल कपड़ों में। यार एक तो ये दुल्हन वाली स्टोरी इतनी कोई घिसी पिटी स्टोरी है, बेचारी सालों से खड़ी हुई है हाईवे पे लेकिन अभी तक अपनी शादी पे नहीं पहुंची। उस दुल्हन ने ड्राइवर चाचा को रोका और कहा कि आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं, मेरी शादी है और मुझे देर हो रही है। अब ड्राइवर चाचा ने जब उसके पैरों पे देखा ना, तो उसके पैर उल्टे और उसके हाथ एकदम से लंबे होने लग गए और नाखून ये बड़े बड़े, एक के बाद एक छोड़ियां मारेंगे लोग। यार एक दफा ना हमारे नौकर में जिन आ गया था तो उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका सर पूरा का पूरा 360 घूम गया था। और यार ये तो कुछ भी नहीं, एक दफा ना हमारे अब्बू में जिन आ गया था, वो हमें बेल्टों से मार रहे थे। अब यही महफिल किसी स्कूल में या हॉस्टल के दोस्तों में लगी हुई हो तो फिर एट दी एंड बात इस पॉइंट पे जरूर आती है कि वो हॉस्टल या वो पर्टिकुलर स्कूल किसी कब्रिस्तान पे बना हुआ। इस महफिल में एक दो लोग जरूर ऐसे होते हैं सही फटू, और इन बातों से इनकी सही पैक हो रही होती है। जो अकलमंद होते हैं वो तो शुरू में ही जाकर सो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो इस शर्म से कि कहीं डरपोक ना कहलाए जाए इस महफिल का आखिर वक्त तक रहते हैं, लेकिन इनकी हालत साफ जाहिर हो रही होती है। महफिल का इज्तमाई कीड़ा अगर बहुत ज्यादा हो तो प्रैक्टिकल का एहतमाम भी किया जाता है। ओ चलो यार जिन बुलाते हैं, जिन भी हैरान होता होगा कि अबे किन फारिग लोगों से पाला पड़ गया। अबे फारिग इंसान हो, तुम लोग के पास कोई ढंग का काम नहीं है करने को। एनी ऑफ द स्पिरिट पासिंग थ्रू दिस एरिया प्लीज एंटर इनटू दिस ग्लास। अबे इसमें कैसे घुसूं? चलो यार सारे साथ साथ बोलो, सारे साथ बोलो। Any of the spirit passing through this area, please enter into this glass. Any of the spirit passing through this area, please enter into this glass. Any of the spirit passing through this area, please enter into this glass. हिल रहा? हाँ हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा। ओ ये तो हिल रहा है। Oh shit! नहीं यार। ओ तुम हिला रहे हो ना? ओ भाई मैं नहीं हिला रहा यार, क्या हो गया? अब ऐसा नहीं है कि जिन्नात होते नहीं या किसी के साथ कोई पुरेसरार वाकयात नहीं हुए, अल्लाह ना करे किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब वाकई में ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है तो आपकी आवाज नहीं निकलती। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका जिक्र किसी कमरे में हो रहा है और आपको अपना नाम सुनाई देता है तो आप एक लम्हे के लिए उस बात को सुनोगे जरूर और उस कमरे में आकर बैठोगे कि आपके बारे में क्या बात हो रही है। इसी तरह अगर जिन्नात की बातें हो रही हैं और करीब से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मखलूक गुजर रही है तो उसे भी उस महफिल में इंटरेस्ट तो होगा, और अगर उसका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा पुरेसरार वाकया पेश आया तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई लव टू नो योर एक्सपीरियंसेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।